हेलो फ्रेंड, kantijain.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ स्नैक्स रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप चाय के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमकीन मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप मैदा, 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/2 कप गुनगुना पानी, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 नींबू, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून शुगर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी। मठरी बनाने के लिए पहले एक डो तैयार करना होगा। मैंने यहाँ एक बॉल लिया है, इसमें मैं डालूंगी मैदा। मैदा को मैंने बहुत अच्छे से चाल लिया है। साथ ही मैं डालूंगी सारे मसाले। मैं डालूंगी चीनी, कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मठरी में, आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। हाँ, मैं डाली हूँ 1/2 चम्मच नींबू का रस। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रिफाइन ऑयल, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों की सहायता से रिफाइंड को सारे मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए, रिफाइंड बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। मोयन हमारा सही पड़ा है कि नहीं मैदे में, देखिए मुट्ठी बांध के देखिए कितने से मुट्ठी बन रहा है, इसका मतलब मोयन सही है। अब मैं गुनगुने पानी से इसे एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, नहीं तो डो गीला हो सकता है। अब बहुत ज्यादा इसे गीला करना नहीं है हमें, बस थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। ये देखिए, हमारा डो तैयार है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हार्ड और ना ही ज्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये छोटे छोटे बॉल्स लेंगे, बिल्कुल इतना छोटा छोटा, और हाथों पे ऐसे गोल बनाएंगे इसे दबाते हुए, और बिल्कुल इस तरह का हम शेप देंगे। आप चाहे तो कोई और भी शेप दे सकते हैं, बस इसे हाथों जैसे दबा देंगे। सारे मठरी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। मैंने मठरी को फ्राई करने के लिए यहाँ एक पैन लिया है। पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। आज मैं आपको बहुत ही कम तेल में मठरी बनाकर दिखाऊंगी। तेल गर्म हो चुका है, उसके बाद मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी, नहीं तो सारे मठरी जल जाएंगे। मठरी को मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इसलिए मैं डालूंगी इस तरह से एक एक करके डालते जाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह। अब इसे पलटते हुए पकाना है हमें। आप जब भी चाहें इसे बना सकते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। मठरी बनकर तैयार है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, इसे और हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है। इसी तरह से और सारे मठरी को मैं फ्राई कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, नहीं तो मठरी ऊपर से
पक जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, नमकीन मठरी बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम तेल में। इसलिए आप इसे जब भी चाहें बना सकते हैं, बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना एक खस्ता बनकर तैयार है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप कहीं जर्नी कर रहे हैं या फिर कहीं जब बाहर आउटिंग में जा रहे हैं, आप इसे कैरी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।